ऐसे ही बारिश के मौसम में एक टीचर ने बच्चों से पूछा कि मैं अगर तुम्हें 100 रुपए दूं तो तुम उससे क्या खरीदोगे। सबका अलग अलग जवाब था, लेकिन एक बच्चा कुछ सोचकर बोलता है कि मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। टीचर ने कहा, चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी खरीद सकते हैं, तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं खरीदना। बच्चे ने कहा, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर मुझे पढ़ाती है, उनकी आंखों की रोशनी कुछ कम हो गई है, तो मैं उनके लिए चश्मा खरीदूंगा ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सके और मैं पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बन सकूं और अपनी माँ को सारे सुख देना चाहता हूँ। टीचर के आंखों में आंसू आते हैं और वो कहते हैं कि 100 रुपए तो मेरे वादे के अनुसार तुम्हें मिल गए और 100 रुपए मैं तुम्हें उधार दे रहा हूं, क्योंकि 100 रुपए में चश्मा नहीं आएगा, कमाओ तो लौटा देना, और मेरी इच्छा है कि तुम एक दिन बड़े इंसान बनो, तेरे सर पर मैं जब हाथ फेरूं तो मैं अपने आप को धन्य समझूं। कुछ सालों के बाद स्कूल में टीचर अब प्रिंसिपल बन चुके थे। वहां पर एक बड़ी अच्छी सी गाड़ी आकर रुकती है और वहां पर जो शख्स उतरते हैं वो चरणों में प्रिंसिपल साहब के लेटने के बाद ये कहते हैं कि सर, ये 100 रुपए मैं आपको लौटाने के लिए आया हूं। कहने का अर्थ क्या है, वह इंसान कौन है मैं इसका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि अच्छी चीज नहीं। इससे सीख क्या मिलती है कि मशहूर होना पर मगरूर मत बनना, साधारण रहो पर कमजोर मत बनो, समय बदलने में देर नहीं लगती है, राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है। इसलिए अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करो कि महान विचार हो और धरती पर रहो और सदकर्म करते रहो। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीपाली। हमारे सभी प्रिय दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के साथ ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं उन सभी प्रियजनों को जिनका जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी स्पेशल डे है। हमेशा की तरह ये भी राशिफल चंद्र राशि और नाम की राशि पर आधारित है, उसे वैसे ही देखने का प्रयास करें। चंद सेकंड आप लोगों के चाहूंगा आज की कुंडली और पंचांग के लिए। आज 25 जुलाई और शनिवार का राशिफल आप देख रहे हैं। हर साल श्रावण मास में नाग पंचमी 2 बार आती है, पहली मरुस्थलीय जो 10 जुलाई को थी और दूसरी देशाचर्य नाग पंचमी जो कि 25 तारीख को है। आज दोपहर को 12:02 तक पंचमी और फिर षष्ठी तिथि रहेगी। दोपहर को 2:17 तक उत्तरा फाल्गुनी और फिर हस्त नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी और अनफा योग का साथ मिलेगा। आपको पता ही है कि मेष कर्क तुला और मकर राशि वाले लोगों को शश योग, वृषभ सिंह वृश्चिक और कुंभ राशि वाले लोगों को मालव योग, मिथुन कन्या धनु और मीन राशि वाले लोगों को हंस और भद्र योग का साथ मिल ही रहा है। आज भी राहु बुध का जड़त्व दोष और गुरु केतु का चांडाल दोष रहेगा। आज पूरे दिन चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। अगर आज आप किसी शुभ कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में है तो उसे नोट करिए। ये समय दोपहर 12:15 से दोपहर को 1:30 तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 से 3:30 तक अलाभ और अमृत का चौघड़िया, ये भी शुभ समय है। कोशिश करें कि सुबह 9 से 10:30 तक जब राहु काल रहता है तो शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करें। प्रिय साथियों, जब भी सारे ग्रह राहु से केतु के मध्य आ जाए तो काल सर्प योग या दोष कुछ लोग कहते हैं। इससे बहुत सारे फायदे भी हैं तो नुकसान भी है, लेकिन जिन लोगों को इसका नुकसान हो रहा है उसके लिए मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो कि अब आप 6 राशि देखने के बाद उस उपाय को जान सकेंगे। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि भोलेनाथ को क्यों बदलना पड़ा अपना स्वरूप। इसका जवाब मैं कार्यक्रम के अंत में दूंगा, लेकिन अब आपको यह पता लगाना है कि आखिर क्यों भगवान शिव ने किया कामदेव को भस्म। इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा, आप इसका जवाब अभी दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। चंद्रमा आज आपको हल्का या फुल्का, मानसिक तनाव, टेंशन, कई बार डिप्रेशन, अज्ञात भय की बीमारी दे सकते हैं। इससे अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे वीडियोस देखने से आप इससे बच सकते हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो सफलता हाथ लगेगी, लेकिन उसमें भी आप घबराएंगे, डरेंगे, चिंता करेंगे, पैसा खर्च करते समय क्या होगा क्या नहीं होगा। सैलरीड पर्सन को कोई शुभ समाचार मिलने से आज उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वर्क प्लेस पर काम में मन तो जरूर लगेगा, नौकरी में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल दिन अच्छा गुजरेगा। ऑनलाइन या किसी और प्रकार के कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडिंग काम करने वाले लोगों को आज अच्छे लाभ हाथ लगने की संभावना है। आपके और भाई बहनों के बीच कोऑर्डिनेशन शानदार रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी जब पूरी हो जाएगी तो आपकी प्रतिष्ठा जरूर बढ़ेगी।
अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ खास मैनेजमेंट आप जरूर करेंगे। आपके जितने भी पेंडिंग काम है पहले उसे पूरे करिए, उसके बाद नए काम को हाथ में लीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपनी सेहत या किसी मानसिक अशांति की वजह से गड़बड़ी का अनुभव करेंगे और जिससे उनका काम डिस्टर्ब हो सकता है। बेटर सेहत का ख्याल रखिए। लकी कलर पर्पल, नंबर फाइव शुभ रहेगा। वृषभ राशि, चंद्रमा आज आपके इर्द गिर्द आकस्मिक परिवर्तन करने जा रहे हैं। वो धन का भी हो सकता है, कर्म का भी, मान सम्मान किसी और प्रकार का हो सकता है। बी अलर्ट। व्यापार के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे मिले इसके लिए टाइम मैनेजमेंट को समझें, टाइमली ऑफिस जाएं और प्रोडक्टिव काम में अपने आप को इन्वॉल्व करें। ज्ञान और आपकी स्किल के लिए आपके काम की तारीफ लोग जरूर करेंगे और आपको भी कहीं ना कहीं से सुनने का अवसर जरूर मिलेगा। आप नौकरी बदलने की दिशा में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। माँ और बाबूजी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ी। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के साथ साथ अपनों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। करियर के मुद्दे से आपको हल्की सी परेशानी हो सकती है, हो सकता है अचानक ट्रेवल करना पड़ जाए, किसी और काम में जाना चाहते हैं, करना कुछ और पड़ गया, इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आपको अगर आप पुरुष हैं तो महिला के साथ, महिलाएं तो पुरुष के कारण लाभ होने जा रहा है अपोजिट जेंडर की वजह से। आपके परिवार के सदस्यों के साथ संबंध सामंजस्य पूर्वक रहेंगे। स्टूडेंट के लिए यह एक उत्कृष्ट दिन होगा। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहेगा। सुखी लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन या मैरिड लाइफ के साथ साथ लव बर्ड्स के लिए आज संतुष्टि भरा दिन रहेगा। मन की कोई बरात पूरी हो जाएगी। लकी कलर व्हाइट, नंबर सेवन शुभ रहेगा। मिथुन राशि, चंद्रमा आज आपको मां का आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। मां और बाबूजी का आशीर्वाद क्रियाकलाप से आपको लाभ जरूर मिलेगा। वर्क प्लेस से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं में उलझने की पूरी संभावना है। बिजनेस में आपके लिए दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। शारीरिक और भावनात्मक दुर्बलता और अशांति का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में किसी से किसी बात को लेकर मन मुटाव हो सकता है। आपके पारिवारिक जीवन में हल्की सी समस्याएं आपके गलत जुबान या किसी और की वजह से कोई आ सकती है। बी अलर्ट। आप अनैतिक कार्य, जो जरूरी नहीं है, जो समाज और कानून विरोधी काम है, उन काम को करने के प्रति आकर्षित ज्यादा होंगे। आपकी सेहत इसी से गड़बड़ हो सकती है, वो भी मानसिक। बीमार होने से बढ़िया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के फॉर्मूले पर चला जाए। सावधानी हर एक काम में बरती। अपने और अपने जीवन साथी लव बर्ड्स के साथ प्यार इश्क मोहब्बत के साथ सद्भाव बनाए रखेंगे। स्टूडेंट अपने काम में जी चुराने वाले हैं और शाम को इसका खामियाजा आपको भुगत रहा है। लकी कलर ग्रे, नंबर टू शुभ रहेगा। कर्क राशि, चंद्रमा आज आपको किसी स्पेशल काम के लिए जो एनर्जी की जरूरत है, जो एंथुजियाज्म की जरूरत है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है, वो देने जा रहे हैं। बस आप अपना बेस्ट दे दीजिए काम को, समझो हो गया। दिन बढ़िया गुजरेगा। दिन की शुरुआत बड़ी शानदार करिए। आपकी इनकम में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है, इससे आपका मन भी खुश होगा और खर्च भी निकल जाएंगे। नौकरी में काम के सिलसिले में आपको कुछ नीरसता का अनुभव करना पड़ सकता है। व्यावसायिक मोर्चे पर हालात सामान्य है। लव लाइफ में खुशी, बेहतर ड्रेसिंग सेंस, बेहतर जुबान से शब्द, किसी और के काम आ पाना, भावनात्मक कन्वर्सेशन आपको बहुत खुशी के पल देने वाला है। काम के सिलसिले में आपकी प्रशंसा जरूर होगी। भौतिक सुखों में रुचि बढ़ेगी। जो मैरिड पर्सन है उन लोगों को अपने दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में एक निकटता का अनुभव होगा। लगेगा कि मेरे अंदर जो कमी थी, मैं जो अपनी बात नहीं कह पाता था, वो अब कहने का मन कर रहा है, तो जरूर कहिए। आपको किसी भी नुकीले तारदार आग और करंट के उपकरण से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लकी कलर पिंक, नंबर फोर शुभ रहेगा। सिंह राशि, चंद्रमा आज आपको आर्थिक रूप से लाभ देने जा रहे हैं। फाइनेंस का, अगर आप कोई लोन अप्लाई कर रहे हैं, किसी से पैसा बोरो कर रहे हैं, किसी से पैसा मांग रहे हैं, अपना ही पैसा है जो लेना है, तो उस पर आज दिन अच्छा है। खर्च और कर्ज को कम करना आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क होना चाहिए। व्यवसाय में कामकाज से जुड़ी हुई कोई खबर आपको खुश कर देगी। दिन अच्छा है इसलिए इसे लंबा करिए और मैक्सिमम एडवांस में काम करिए ताकि वीकेंड एंजॉय कर सकें, छुट्टी बना सकें, नौकरी में अच्छा काम कर सकेंगे। घर परिवार को समय जरूर दीजिए। संतान सुख और संतान से सुख जरूर मिलेगा। वर्क प्लेस पर अपने अनुसार स्थितियों से लड़ने की आदत डाल दीजिए जिससे आपको खुशी जरूर मिलेगी। परिवार के लोगों में प्रेम देखने को मिलेगा और जो एक वैमनस्य था, मनभेद और मतभेद चल रहे थे, वो अब प्यार में तब्दील हो जाएंगे।
अगर आप पुरुष हैं तो महिला, महिला है तो पुरुष के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी इसी से ही आने वाले हैं। आप दिन भर सुस्त और जो एक आलस्य के साथ साथ एक किसी और ख्यालों में खो जाए वैसी स्थिति बनेगी, इसलिए अपने पहले जो इंपॉर्टेंट काम है उसे निपटा लीजिए। ससुराल और ननिहाल के कारण लाभ कमाने और आशीर्वाद की संभावना ज्यादा है। आपकी सेहत ठीक है, इसके बेहतर एडवांस में काम कर सकते हैं अपने लिए और अपनों के लिए। मन लगाकर खाना पकाएं और खिलाएं, ऐसा कुछ काम करें जो वीकेंड को एंजॉय करे या फिर वीकेंड में जो मनपसंद चीजें वो कर सके। स्टूडेंट पढ़ाई पर ध्यान देकर आज अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर देंगे। लकी कलर नेवी ब्लू, नंबर 1 शुभ रहेगा। कन्या राशि, चंद्रमा आज आपको शुभ कार्य, मांगलिक कार्य और ऐसे किसी चीज में जो दिल से जुड़ा हुआ हो, फैशन, पैशन, हॉबी से जुड़ा हुआ, वो काम करके मन बड़ा शांत रहेगा। व्यापार में कुछ लाभ हासिल जरूर करने जा रहे हैं। जॉब में लगन से अपने काम को अंजाम देंगे और दिन में जो काम नहीं कर सकेंगे वो ओवर टाइम में कर सकेंगे। हो सकता है अपने काम को आप किसी को देकर काम निपटा लें, और काम करने वाला तो बड़ा होता ही है लेकिन करवाने वाला उससे भी बड़ा होता है। प्रोफेशनल फ्रंट पर कुछ मुद्दों को लेकर आप हल्की सी चिंता में आ सकते हैं। आपके बड़े भाई या छोटे भाई, भाई बहनों के बीच कोऑर्डिनेशन शांता रहेगा और आने वाले रक्षाबंधन की पूरी शुभकामनाएं मैं देता हूं, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आपका स्वास्थ्य तो शांता रहेगा लेकिन मांसपेशियों में दर्द और खिंचाव परेशान कर सकता है। आपका पूरा ध्यान परिवार पर केंद्रित होना चाहिए। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में भावनात्मक लगाव रहेगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर का सहयोग और लाभ जरूर मिलेगा। आपको अपनी माता और संतान के कारण लाभ होने जा रहा है, उनका आशीर्वाद दीजिए और काम पर आगे बढ़िए। लकी कलर क्रीम, नंबर 3 शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, जब भी सारे ग्रह राहु से केतु के मध्य आ जाए तो काल सर्प योग या दोष, ये होता है, कुछ लोगों को नुकसान और कुछ लोगों को फायदा भी देता है, लेकिन इस दोष की शांति होना जरूरी है। इसके लिए त्र्यंबकेश्वर नासिक में जाकर पूजा करवाना सबसे श्रेष्ठ रहता, लेकिन अभी संभव ना हो तो कालसर्प योग एक ऐसा योग है जो जातक को संपूर्ण जीवन में तबाह और बर्बाद भी कर देता है। ऐसे भयानक योग और दोष के शांति के लिए जिस प्रकार महाशिवरात्रि का पर्व महत्व रखता है, उसी प्रकार नाग पंचमी का महत्व भी शास्त्रों में बताया गया है। जब कालसर्प योग या दोष की शांति कर्मकांडी पंडित करते हैं तो वो अभी संभव ना हो तो ऐसे शुभ अवसर पर बार बार आपको ये चिंता जरूर सताती है कि मेरा ये दोष कैसे खत्म होगा। आप नागपंचमी के शुभ अवसर पर अपने दोषों की शांति के लिए इस उपाय को जरूर करें। दो स्थान पर करें तो आपको काल सर्प योग से काफी हद तक निजात मिल सकती है। पहला, कालहस्ती मंदिर जो तिरुपति बालाजी के पास चेन्नई में है, दूसरा त्र्यंबकेश्वर नासिक में है। स्त्री हो या पुरुष, किसी भी कुंडली में काल सर्प योग और दोष हो सकता है। इसके लिए घर के आसपास या दूर दराज में पीपल के वृक्ष पर हर सोमवार को थोड़ा जल अर्पित करना चाहिए। एक स्टील का लोटा लें, उसमें जल, गंगा जल, कच्चा दूध और पलास नामक पौधे के पुष्प में गंगा जल या गौपुत्र डालकर कूट लें और जो रस बनता है वह भी उस लोटे में डाल दें। फिर पीपल की परिक्रमा देते हुए जल को पेड़ में अर्पित करते हुए ओम राम राहुवे नमः मंत्र की एक माला जाप करें, जिससे आपको कालसर्प योग से या दोष से शांति मिल जाएगी। और इसके बाद आप घर में ही राम रक्षा स्त्रोत्र और सर्प सूक्त का पाठ करें। घर में वर्ष में 3 बार रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। अगर श्रावण मास और शिवरात्रि या महाशिवरात्रि पर करवाएं तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। चांदी के बने हुए नाग और जो नागिन आपको किसी भी सुनार की दुकान पर मिल जाएंगे, उससे आज बेहतर जल में प्रभावित करना काल सर्प दोष की मुक्ति से मुक्ति के लिए कारगर माना जाता है। बात करते हैं तुला राशि की। चंद्रमा आज आपके संकल्प संपर्क बढ़ाने वाला है, चाहे वो पुराने ग्राहकों, पुराना बॉस हो, नए संपर्क को कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलाने वाला है। इसलिए जो भी आज आपके दिन में संपर्क में आते हैं उनके साथ बहुत अच्छे ढंग से बातचीत करिए। बिजनेस में दिन कुछ खास नहीं है, इसलिए पुराने काम को पहले निपटाइए। वर्क प्लेस पर काम के सिलसिले में आपको मिले जुले नतीजे मिलेंगे। हो सकता है आपको ट्रेवल करना पड़े और वो भी व्यर्थ की भागदौड़ हो। खुद के ही अनैतिक कार्यों के कारण थोड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। मानसिक और शारीरिक पीड़ा का अनुभव आप करेंगे। अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें और आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने मित्रों के साथ प्यार और सद्भाव बनाए रखना चाहिए। याद रखिएगा, परिवार और मित्र बहुत किस्मत वाला इंसान होता है जिसको मिलते हैं। संघर्ष की संभावना थोड़ी सी है। आप अपने और बच्चों के काम में दखलंदाजी न करें,
अपना अपना काम करने की सूझबूझ दिखाएं। स्पिरिचुअलिटी, दान पुण्य कर्म में थोड़ा सा झुकाव पड़ेगा। कोई स्वास्थ्य विकार आपको परेशान कर सकता है। मन लगाकर पढ़ने से ही स्टूडेंट सफलता पा सकेंगे। जो आज मुश्किल लग रहा है वो आसान कल जरूर होगा। लकी कलर गोल्डन नंबर 4 शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आज आपको आध्यात्मिक और जो भौतिक दोनों ही प्रकार के प्रॉफिट में वृद्धि करवा रहा है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ विश्वास करते हैं तो ध्यान लग जाएगा। काम करना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं तो उसमें ध्यान लग जाएगा। कारोबारी लोगों को कुछ अच्छे लाभ होने की पूरी संभावना है। जॉब में हल्की सी बाधा आपकी गलत जुबान, गलत काम, नेग्लिजेंस की वजह से आ सकती है। आप अपने साथी के प्रति प्रेम और स्नेह जरूर रखें। कोशिश करें कि अपना स्वभाव ऐसा बना जाए कि लोगों की मददगार बन सके। वर्क प्लेस पर दिन लाभदायक है और आप अपने पुराने पेंडिंग काम को पूरे करने के लिए जो बेहतर योजना बनाने जा रहे हैं वो परफेक्ट है। एकांत और शांत और मौन रहकर दिन को गुजारिए, ज्यादातर काम पूरे हो जाएंगे। जो लोग आज या आने वाले दिनों में शादी करने इच्छुक हैं उनके लिए एक अच्छा मैच मिल सकता है। आने वाले दिनों में अगर करना चाहते हैं तो, और आज कर रहे हैं या आज शादी की बात पक्की हो रही है तो बहुत शुभ दिन है। आप आज अपना और अपने घर के आसपास का स्वच्छता का पूरा ख्याल रखें। कोशिश करें कि वीकेंड में ये एंजॉय किया जा सके, इस बारे में ध्यान दिया जा सके। दैनिक गतिविधियों में आप जरूर लगे रहेंगे। विवाहित जोड़ों के बीच प्यार और स्नेह में वृद्धि होगी। आपकी सेहत ठीक है इसलिए एडवांस में और एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। लकी कलर ग्रीन नंबर 6 शुभ रहेगा। धनु राशि, चंद्रमा आज आपको जॉब में सफलता दिला रहे हैं। अब जॉब का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है। बाइंड योर ओन बिजनेस, ये शब्द कहते हैं तो क्या उसका मतलब बिजनेस है। आप जो भी काम करते हैं वो आपकी जॉब है। उसको बखूबी निभाने का जो आपको एक टूल चाहिए, एक काम चाहिए, एक वातावरण चाहिए वो मिल जाएगा। नौकरी के सिलसिले में बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे और आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। बिजनेस में आपको सराहना जरूर मिलेगी और पीठ पीछे लोग आपकी तारीफ करेंगे। धन से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे इसलिए रुका हुआ पैसा प्राप्त करने के लिए मेहनत करिए। किसी को चुकाना है तो सैक्रिफाइस करना पड़े लेकिन पैसा चुका दीजिए। आपका पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा लेकिन किसी के साथ मुद्दों पर बहस बतंगड़ बनते हुए देर नहीं लगेगी इसलिए किसी और के मुद्दों पर कोई बहस आप नहीं करें। आपके पारिवारिक जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में डेवलपमेंट होगा। जो आप चाहते हैं वैसी चीज हो सकती है। दिन समझदारी और सूझबूझ से गुजारोगे तो दो बार ऐसे मौके मिलेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। दांतों में, जबड़े में, गले में कोई इन्फेक्शन या तकलीफ हो सकती है, अपना ख्याल जरूर रखें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर, जो भी उपलब्धि आप हासिल करना चाहते हैं वो आज आपके कठिन परिश्रम और किसी विशेष व्यक्ति की सलाह और आशीर्वाद से पूरा होगा। आप अपने जीवन साथी, जीवन संगिनी, लव पार्टनर के साथ चिंता के बजाय चिंतन करिए। अज्ञात भय आपको परेशान करेगा, आप उसे दूर भगाइए। व्यर्थ की बातचीत से बेटर है शांत रह जाए। लकी कलर ब्राउन नंबर 8 शुभ रहेगा। मकर राशि, चंद्रमा आज आपको ज्ञानी भी बनाएंगे और आपको जो अहंकारी भी बना सकते हैं। इसलिए अपने ज्ञान का बखान करते समय ये न सोचें कि मैं ज्ञानी हूं और ये सब अज्ञानी है, ऐसा कभी नहीं हो। बिजनेस में सहयोगियों के साथ आपके संबंध मजबूती पकड़ेंगे। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय जरूर बिताइए। घर में भौतिक सुखों का आनंद लीजिए। नए सुखों को लाने से पहले ये सोचिए कि जो सुख हमने प्राप्त कर चुके हैं क्या पूरा उसका आनंद हमने लिया है, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। परिवार, दोस्ती और रिश्तेदारी में माहौल खुशी का बनने जा रहा है। अपने पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में शांति और आनंद का पूर्ण अनुभव करने जा रहे हैं। आपको अपने जीवन साथी, जीवन संगिनी, लव पार्टनर के साथ क्रोध, आवेश, अहंकार, गलत जुबान ये सब डिस्टर्ब करने जा रही है। बेटर क्या रहेगा, शांति, प्रेम, विनम्रता और शांति के साथ साथ मौन रहना। आपका गलत समय पर खाना खाना, गलत खान पान की वजह से स्टोमक और इन्फेक्शन हो सकता है, बी अलर्ट। यात्रा आज कोशिश करें कि ना करें तो बेहतर है, करें तो पूरी सावधानी के साथ। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर, दिल कुछ और कहेगा, दिमाग कुछ और करेगा, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से फैसला लीजिएगा। अपने वरिष्ठ अधिकारी, सबॉर्डिनेट, आपके साथ काम करने वाले लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन शानदार रहेगा। लकी कलर सिल्वर नंबर 5 शुभ रहेंगे। कुंभ राशि, चंद्रमा आज आपको ससुराल और ननिहाल से मदद और आशीर्वाद दिलवाने जा रहे हैं। बिजनेस में काम में मन नहीं लगेगा, रह रहकर अज्ञात भय या किसी और चीज में इन्वॉल्व होंगे। वर्क प्लेस पर आपको नियमित गतिविधियों में अतिरिक्त प्रयास करना ही होगा।
मानसिक तनाव को देने की कोशिश करेगा, आप लेने का कोई काम मत करेगा। जॉब में किसी से झड़प, आपकी गलत जुबान और एक फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकाल देंगे, इसलिए सावधानी जरूर बरतें। आप उग्र स्वभाव वाले और चिड़चिड़े आज बनने जा रहे हैं। कोशिश करें कि अपने मन चाहे चीजों पर काम करें। काम पर मन नहीं लगता है, छुट्टी ले लीजिए, घर पर बैठ जाएं, घर पर टीवी देखें, कुछ भी गेम खेलें, आराम से परिवार के साथ एंजॉय करें, लेकिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आप किसी चक्रों में फंस जाएं। कोई आपकी वजह से नाराज हो सकता है। आपके नियमित सुख में गिरावट आ सकती है। कोशिश करें कि लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, फ्रेंड्स, ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हुआ जाए जो फैशन और पैशन का काम है, जो आपकी हॉबी है उसे पूरा करिए। आज गलत चीज खरीदी जा सकती है या पैसे की बर्बादी हो सकती है, बी अलर्ट रहे। लकी कलर की जहां तक बात है, ऑरेंज नंबर 2 शुभ रहेगा। मीन राशि, चंद्रमा आज आपके बिजनेस से संबंधित जो प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाएंगे, लाभ मिलेगा। जॉब, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ पे कोई भी एजेंडा है उसकी तरफ आपको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वर्क प्लेस पर जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है, चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं, आप इसे घबराए नहीं। धन लाभ अचानक हो सकता है या आया हुआ अचानक खर्चा धन लाभ की वजह से या कहीं से रुका हुआ पैसा आ जाए, काम आगे बढ़ जाएगा। टेंशन ना देनी चाहिए ना लेनी चाहिए, इससे माहौल खराब होता है, जबकि मस्त माहौल बनाने के लिए आपको सोचना चाहिए। बिजनेस में मेहनत पूरी करेंगे, आप कुछ पेशेवर मुद्दों के बारे में चिंता हासिल करने जा रहे हैं। स्टूडेंट के लिए यह दिन अनुकूल रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, कुछ राशि भी खर्च हल्की सी हो सकती है। आप अपने भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन शानदार रखेंगे और संतान सुख खुशी की खबर देगा और यह आपको आनंद ही आनंद दिलाने वाला है। आपका जो वैवाहिक जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप है वो बेहतरीन रहेगी, इसलिए आप मन की बात कह सकते हैं, दिल की जो कामना है, मनोकामना उसे पूरा कर सकते हैं। लकी कलर येलो, नंबर 7 शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि भोलेनाथ को क्यों बदलना पड़ा अपना स्वरूप। पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव भोलेनाथ के धाम हिमालय पहुंचे, भोलेनाथ को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया, हे शंभो, मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। भोलेनाथ बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? शनिदेव ने कहा, कल 15 के बाद आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। भोलेनाथ शनि की दृष्टि से बचने के लिए मृत्यु लोक पर हाथी का रूप धारण करके 15 बिताने के बाद शाम को भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उन्होंने वहां शनिदेव को उनका इंतजार करते पाए। भोलेनाथ को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भोलेनाथ मुस्कुराकर शनिदेव से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। शनिदेव मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से न तो देव बच पाए हैं और न ही दानव, यहां तक कि आप भी मेरी दृष्टि से नहीं बच पाए। मेरी ही दृष्टि के कारण आपको 15 के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनिदेव की न्याय प्रियता देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगा दिया। प्रिय साथियों, शनि की दृष्टि में कई बार पाप देखा जाता है, इसलिए हमें शनिदेव को हमेशा प्रणाम करना चाहिए और यही शनिवार है जब हमें आशीर्वाद मिले शनि का और हमारे काम तेजी पकड़े। अब आपको यह पता लगाना है कि भोलेनाथ ने कामदेव को क्यों और कैसे भस्म किया। इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा, आप मुझे इसका जवाब अभी कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपका जो प्यार, स्नेह और अपनत्व इस कार्यक्रम को मिला है, मैं उसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका शनिवार वीकेंड शानदार गुजरे, इस उम्मीद, विश्वास और प्रार्थना के साथ आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।